चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। मतलब हमें दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया जो है दैट इज 528, और हमें पता है कि एरिया दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया है इसीलिए हमने लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से रेक्टेंगल है इसीलिए हमने एरिया को क्या ले लिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ऑल्सो तुम्हें एक और चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखो कि जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू वन मोर देन ट्वाइट्स ऑफ इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है दैट इज़ वन मोर देन, वन ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, डबल यानी कि ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में तुम्हें दे रखे हैं दो कंडीशन, पहला एरिया जहाँ से हमें पता लगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ 528 के इक्वल होगा, दूसरी क्वेश्चन यहाँ से बनने वाली हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू 1+2b यानी कि ब्रेड्थ को अगर हम एक्स ले लें। तो हम यहाँ से क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये तो सिर्फ रफ आइडिया था, ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो मान लो लेट जो ब्रेड्थ है ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन या जो भी है आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, तो उसकी हम ब्रेड्थ को एक्स मान लेंगे। तो ये एज्यूम कर लिया हमने, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ थी हमारे पास दैट इज़ वन मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, तो 1+2x हो गया क्योंकि ब्रेड्थ तो x है, तो यहाँ पे ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ऑल्सो हमें दे रखा है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर प्लॉट जो तुम बोलते हो 528 है ना, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है 1+2x, तो 1+2x आ जाएगा, और ब्रेड्थ की वैल्यू हमने क्या मानी थी x, और इक्वल टू 528। अब देखिए यहाँ से x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा x प्लस इनका बनेगा 2x² इक्वल्स टू 528। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, ये हो गया अगर मैं एक्स स्क्वेयर वाली टर्म पहले, एक्स वाली टर्म बाद में, और ये 528 को इधर लेके आऊँगा तो -528 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये मेरे पास जो बना दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। और आपसे पूछा गया होगा क्वेश्चन में ही कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन इसको बाद में उसने लिखा हुआ वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो आप क्या करेंगे, आप हमने सेकंड चैप्टर में मिडल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि फैक्टराइजेशन पढ़ा था जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर निकाल सकते थे। आप उसकी हेल्प से इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करके लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स क्या है हमारे पास दैट इज़ ब्रेड्थ, और लेंथ क्या है 1+2x, तो यहाँ पे x की वैल्यू दोनों में पुट करेंगे आपके पास ब्रेड्थ और लेंथ दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है।